इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव परिणामों का विस्तृत विश्लेषण पेश किया गया है। चुनाव आयोग के विश्लेषण में यूपी में कांग्रेस और पंजाब में आम आदमी पार्टी को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दोनों राज्यों में इन दोनों पार्टियों को न केवल करारी हार का सामना करना पड़ा बल्कि दोनों के 1/4 उम्मीदवार उनकी जमानत तक नहीं बचा सके। चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब में जीत का दावा कर रहे थे और कुछ यही उम्मीद यूपी में सपा के साथ गठबंधन करने वाले कांग्रेस और राहुल गांधी भी पाले हुए थे। लेकिन अब चुनाव आयोग ने जो विश्लेषण पेश किया है वो इन दोनों नेताओं के नेतृत्व पर सवाल खड़े करने वाला है। चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व को जनता ने बुरी तरह नकारा है, या यूं कहें कि दोनों पार्टियों ने जिन उम्मीदवारों को जनता के बीच भेजा उनमें से 1/4 तो जनता को पसंद ही नहीं आए। हालांकि इस मामले में बीएसपी का आंकड़ा भी कोई बहुत शानदार नजर नहीं आ रहा। बीएसपी के भी 20% उम्मीदवार अपनी जमानत बचाने में नाकामयाब रहे। गौरतलब है कि यूपी में जहां बीजेपी को जबरदस्त बहुमत मिला वहीं पंजाब में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की। NMF न्यूज की रिपोर्ट।